हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माना। वेलकम टू मूवी शूवी। यार मुझे ये डॉक्यूमेंट्री का जो फॉर्मेट है, जो पहले के ऊपर आया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा रियल लगा, इसलिए ज़्यादा इतना इफेक्टिव हुआ, दिल पे लगा, मन पे लगा, दिमाग पे घर करा। मन की इच्छा नहीं थी दोस्तों इसके अंदर किसी के भी वेल रिसर्च और प्रीवियस इंटरव्यूज़ और फुटेज को लेके साथ में दिखाया है, ताकि किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इंटरप्रिटेशन के अंदर कोई भी डिफरेंट मीनिंग्स ना निकले। और साथ में सबसे अच्छी बात है कि पहले को खुद यूज़ किया है इंटरव्यूज़ के अंदर, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बोलना कुछ थे और समझा कुछ है। बहुत से पहले के फैंस तो बस इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर टूट पड़ेंगे, पर अगर आप जब थोड़ा सा डीप डाइव करोगे और सोचोगे कि पहले जो हैं वो पुराने स्टार हैं, और वो आज के टाइम के हिसाब से डॉक्यूमेंट्री बनाने का क्या क्वेश्चन उठता है, तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग के अंदर आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाई ही क्यों है, इसका क्या रीजन है। बेसिकली इट इज मेड टू इंस्पायर न्यू जनरेशन टू टेक एनी स्पोर्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फुटबॉल हो, और सीखें क्या सीखें, डिसिप्लिन सीखें, स्ट्रगल सीखें, हार्डवर्क सीखें, और स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखें, फेलियर्स, क्योंकि फेलियर ही इंसान को बड़ा बनाता है। एक हार्ड मास का इंसान जिसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल जाती है, अटेंशन मिल जाती है, तो उसके साथ क्या होता है, क्या वो गलतियाँ होती हैं, और कैसे वो अपनी पब्लिक अटेंशन को साथ में ले जाते हुए संभालता है, और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को कंडक्ट करता है प्रोफेशनली और पर्सनली, ये सीरीज हमें टीच करती है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो एक मेगा स्टार पहले को नहीं जानते, तो मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे ही उनको इंट्रोडक्शन की कोई मोहताज नहीं है। पहले एक मेगा स्टार हैं जो कि स्टार्टिंग में सैंटोस के लिए खेलते थे, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ही उनका ब्राज़ील के अंदर सिलेक्शन हो गया, और उन्होंने 2 ज़बरदस्त गोल मार के 1958 का जो है वर्ल्ड कप जो है जिता दिया। और 17 ईयर्स की उम्र में ही वो मतलब टॉप स्टार थे, मिलियनेयर बन चुके थे। उन्होंने अभी तक 3 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, और 30 साल की उम्र तक तो 3 वर्ल्ड कप जो है वो जिता चुके थे। उनका लास्ट वर्ल्ड कप जो था 1970s में हुआ। अब दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री को देख के मेरे को कुछ ऑब्जर्वेशन आई, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है और यंग जनरेशन को तो जरूर समझनी चाहिए। पहला दोस्तों ये कि स्टारडम, पहले ने माना कि ओवरनाइट स्टारडम और मनी एट टीनेजर स्टेज ही बहुत ही जल्दी मिलियनेयर बन गए थे, उससे वो भटके कुछ हद तक, और ऊपर से जो उनको अटेंशन मिल रही थी स्पेसिफिकली फीमेल से, तो उनके काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स हो गए, 3 शादियाँ हो गई। पहले इज़ नोन टू हैव 7 चिल्ड्रन फ्रॉम 4 डिफरेंट वुमेन, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो थोड़ा स्टड वाले जोन में चले गए थे, मतलब जिससे उनकी प्रोफेशनल जो लाइफ है वो तो ठीक ठाक चल रही थी, वो मेगा स्टार थे, गोल्स हो रहे थे, पर प्रोफेशनली के अलावा पर्सनली जो उनकी लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रही थी। तो पहला लेसन तो ये है कि जब आपको इतनी शोहरत मिलती है तो आप किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को काबू में रखें। सेकेंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई, वो है राइज अबव द सेल्फ डाउट। बहुत सी बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे से अच्छे प्लेयर को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ही मतलब सबसे डिफरेंट हूँ, आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, बट एक सडनली एक पुअर फॉर्म आती है जिसके बाद एक सेल्फ डाउट हो जाता है। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में हो चुका है, कोहली का जस्ट बिफोर हिज मैरिज हो चुका है। तो 1966 के वर्ल्ड कप में दिखाया था कि जब ब्राज़ील हार गया था तो वो भी बहुत डाउटफुल हो गए थे, उन्हें ऐसा लगा था कि शायद जैसे ही वो मैदान में उतरते हैं वो जल्दी से इंजर्ड हो जाते हैं, और वो बहुत अनलकी हैं अपनी टीम के लिए, बट अपने आप को पुल बैक किया उन्होंने, और 1970 में वो दोबारा खेले और वर्ल्ड कप भी जिताया, यहां तक कि पहला गोल उन्हीं ने दागा। तीसरी एक और चीज़ बहुत मेरे को अच्छी लगी जो कि इस सीरीज़ में या फिर आप बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाई गई है, एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड स्पोर्ट्स। गलत है कि सही, वो तो डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि आज हम सेलिब्रिटीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर टॉपिक के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे, बट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू यूज हिज इन्फ्लुएंस एंड पॉपुलैरिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। हुआ यूँ था कि पहले वॉज अ हाउस होल्ड नेम, और 1964 में जो मिलिट्री रूल लगा था, डिक्टेटर काइंड ऑफ रूल लगा था ब्राज़ील के ऊपर, और पहले ने कुछ नहीं बोला था पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि एक स्टेटमेंट से पब्लिक किसी और तरीके से भी रिएक्ट करती थी, उस टाइम में जाग सकती थी, किसी और डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकती थी, जो इस डिक्टेटरशिप को एंड भी कर सकता था। सो ही इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक मैन विद यस सर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, और उन्होंने ये एक बड़ा ही मिडिल पाथ अपनाया जिसके अंदर वो चुप्पी साझे रहे। अब यह सही है कि गलत ही, मैं आपके जजमेंट के ऊपर छोड़ देता हूँ। एक और बात मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि सक्सेस के साथ पॉलिटिक्स हमेशा जुड़ जाती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि हमारे क्रिकेट में, IPL में बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होता है, और कुछ पॉलिटिशियन साथ में जुड़ जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबको पता है उनका नाम। वैसे ही 1970 के अंदर वर्ल्ड कप की जो पूरी भागदौड़ थी दोस्तों, वो मिलिट्री के हाथ में हो गई थी, जैसे मैंने बताया मिलिट्री रूल था, और जो ब्राज़ील की डिक्टेटरशिप जो इमेज थी,
उसको बेसिकली दबाने के लिए वर्ल्ड के सामने कि जी हम अच्छे हैं उनको कोई ना कोई स्पोर्टिंग इवेंट जितना ज़रूरी था, और फुटबॉल में वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने पेले को ऑलमोस्ट आस्क किया कि भाई आपको तो खेलना पड़ेगा ही, और पेले जो थे वो सिंपली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। हालांकि पहला उनका डिसीजन था कि वो 1970 का शायद वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो ये कितना अच्छा डिसीजन था कि नहीं था, और कहाँ किस हद तक जो पॉलिटिक्स है वो स्पोर्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करती आई है, क्या इसको अब चेंज हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये काफी ज्यादा न्यूट्रल डॉक्यूमेंट्री है जो पेले को सिर्फ गॉड नहीं दिखाती है बट ह्यूमन स्टार दिखाती है, जो गलतियां भी कर सकता है और अपनी मेहनत से बहुत बड़ा इंसान और बहुत ही लवेबल स्टार भी बन सकता है। तो इनकी अचीवमेंट और वनलेबिलिटी एज अ ह्यूमन दिखाई है, तो आई लाइक इट, बहुत ही न्यूट्रल है, और माई मूवी शुड बी स्कोर फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री वुड बी ए। आप देखिए, आपको मजा आएगा और बहुत सारे लेसन मिलेंगे, हो सके तो अपने बच्चों के साथ देखना। सी यू, बाय।